युवक को दिन दहाड़े मारी गोली, हालत गंभीर। बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था युवक। पूरा मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सती वाली बगीची के पास का है। स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहे युवक में अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। युवक बुरी तरह हुआ घायल, मौके से असलाह भी हुआ बरामद। सुहाग नगरी में बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहे युवक पर बाइक सवार दो हमलावरों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया है। अपने आप को घिरता देख हमलावर तमंचा छोड़कर मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना थाना रामगढ़ क्षेत्र के सती वाली बगीचे के पास का है, जहां पर थाना उत्तर क्षेत्र के संतोष नगर निवासी सुशील कुमार पुत्र भीमसेन अपने बच्चों को सती वाली बगीचे इंदिरा कॉलोनी थाना रामगढ़ स्थित स्कूल में छोड़कर लौट रहे थे। बताया जाता है कि एक बाइक पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए थे, जिन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक दो राउंड गोलियां चलाई, जिससे युवक घायल हो गया। दिन दहाड़े गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। अपने आप को घेरता देख बदमाश तमंचा फेंक कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची थाना रामगढ़ पुलिस ने तमंचे को कब्जे में ले लिया है और पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला फिरोजाबाद से वरिष्ठ प्रमुख संदेश कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम अनुपम गौतम। कौन सी जगह है जी? ये सजी आश्रम, रेफर हो सजी आश्रम के। अच्छा, ये क्या बात हुई अभी? ये अकस्मात ये गाड़ी से जा रहे थे तो हम लोग तो रोड पर रहते हैं, एकदम आया दो बंदे आए थे हेलमेट लगा के, उन्होंने तमंचा ताना और तो गोली तो चला दी, तो बंदा भाजा अपनी जान बचा कर। तो गोली किस पर चलाई? ये सट्टा चौधरी बोलते हैं नाम, सत्ता उन पर चलाइए। पता लगा कौन लोग थे? नहीं, हमको ऐसा हम लोगों को क्या पता। तो कितने फायर किए हैं? दो फायर किए। और मतलब उन्हीं पर चलाइए और किसी बता रहे किसी महिला पर भी? एक महिला है, वो क्या है कि बच्ची जा रही थी स्कूल, उसको बचाव के चक्कर में उसको पकड़ लिया था, इसकी वजह से लड़की पर गोली नहीं चलाई और वो लोग भाग गए। ये नहीं पता लग रहा कौन लोग हैं? नहीं। कितनी देर पहले की घटना है ये? अभी 20 मिनट पहले की घटना है। थाना कौन सा लगता है? ये थाना रामगढ़ लगता है इस साइड का, और इस साइड लगता है उत्तर थाना। तो जिनके गोली किसी लगी है वो कहाँ है? वो शायद हॉस्पिटल ले गए उसको। सर, थाना रामगढ़ क्षेत्र में क्या घटना हुई है? ये आज सुबह थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। उनको तत्काल ही जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया तथा इलाज चल रहा है। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर अभी वो पंजीकृत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है।